स्वागत है आपका BHIE 141 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो के सीरीज़ में हम एग्ज़ाम में आने वाले सिर्फ उन्हीं प्रश्न को, उन्हीं टॉपिक को ले रहे हैं जिसकी सबसे अत्यधिक संभावना है कि उस पर एग्ज़ाम में प्रश्न बनकर आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम कैंटीन व्यवस्था, इसके साथ ही दूसरा अफीम युद्ध और तेन सीन की जो संधि हुई थी उसे समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही पश्चिमी ताकतों की उपस्थिति पे चीन की जो प्रतिक्रिया रही थी यह भी पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि इससे संबंधित अगर प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप इसके उत्तर दे सकें और एग्ज़ाम में अपने अंक काफ़ी बेहतर कर सकें, यह हमारा प्रयास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और अधिक वीडियो आपके लिए ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा अफीम युद्ध और तेन सीन की संधि। इसे देखें तो चीनियों और उनके बीच बहुत से विवादास्पद या टकराव वाले मुद्दे नानकिंग की संधि के दौरान अनसुलझे रह गए थे। जैसे अफीम के व्यापार को अभी तक वैध नहीं किया गया था, कैंटन शहर अभी तक उनके लिए मुक्त नहीं था और उनके पास बीजिंग सरकार के साथ समान आधार पर सीधे व्यवहार करने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं था, तथा अंग्रेज़ों का विश्वास था कि इसका समाधान उत्तर में और चीन के अंदरूनी क्षेत्रों में व्यापार के और बंदरगाह खोलकर किए जा सकते हैं। इसी क्रम में हम देखें तो सन 1858 में आंग्ल फ्रांसीसी सेनाओं ने कैंटन पर हमला करके उसे जीत लिया। इसके बाद वे उत्तर की ओर बढ़े और उन्होंने पहली बार स्वयं बीजिंग पर हमला बोला। खूबसूरत शाही ग्रीष्म महल समेत राजधानी तहस नहस हो गई और सम्राट को भागना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि जिंग सरकार को शर्मनाक आत्मसमर्पण करना पड़ा और तेन सीन की संधि पर हस्ताक्षर इस प्रकार से हुए। ये कारण थे तेन सीन की संधि के, तो इसे हमने समझा। आगे बढ़े तो इस संधि से पश्चिमी ताकतों को अनेक लाभ हुए, जैसे 11 और बंदरगाह खुल गए और पश्चिमी जहाज़ों को अंदरूनी जलमार्गों पर आने जाने की आज़ादी मिल गई। देश के अंदर ही विपरीत होने वाले सामान पर पश्चिमी व्यापारियों को लिकिन नामक जो कर होते थे उससे छूट मिल गई। पश्चिमी लोगों को देश में कहीं भी बसने और जमीन लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो यह दूसरे अफीम युद्ध के परिणाम थे और इसी क्रम में तेन सीन की संधि को हमने पढ़ा और समझा। चीन और पश्चिमी देशों के बीच शुरुआती संपर्क और कैंटीन व्यवस्था क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में जब हम देखें तो 17वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य के दौर में इस समुद्री व्यापार में कई उतार चढ़ाव आए। इसके कारण चीन के अंदर होने वाली जो अंदरूनी राजनीतिक घटनाएं थी, जो 1664 में तीन शताब्दी से शासन कर रहे मिग वंश का तल तक था, पलट दिया गया और उत्तर पूर्वी सीमाओं के पार से आने वाले गैर चीनी मांचू लोगों ने उत्तरी चीन पर अधिकार जमा लिया। इसी क्रम में हम देखें तो 1664 में जो लगभग तीन शताब्दी से शासन कर रहे थे मिग वंश, उनका तख्ता पलट हो गया और जो चीन के उत्तर पूर्व सीमा के पार से जो गैर चीनी मांचू लोग आए थे उन्होंने उत्तरी चीन पर अधिकार जमा लिया। मांचुओं ने 1661-1669 के बीच 8 साल के दौर में दक्षिणी मध्य तट की 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर रहने वाली पूरी की पूरी आबादी को वहां से बेदखल कर देने का असाधारण कदम उठाया। इन उपायों को हटा दिए जाने और छिंग वंश का विरोध समाप्त हो जाने के बाद भी छिंग शासकों ने समुद्री गतिविधियों पर और विशेष तौर पर विदेशियों के साथ स्थानीय चीन वासियों के किसी भी व्यवहार पर संदेह करना नहीं छोड़ा। जहां मंचुओं को देखते हैं तो उन्होंने कुछ कठोर कदम उठाए अपने सत्ता को मजबूत स्थिति में लाने के लिए। इसी क्रम में हम देखें तो उन्होंने लगभग दक्षिणी मध्य तट पर 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर जो रहने वाली पूरी आबादी थी उनको वहां से बेदखल कर दिया गया, ताकि उनसे किसी प्रकार की खतरा जिंग वंश को न हो। और साथ ही वे विदेशी जो व्यापारी आते थे या फिर स्थानीय जो चीनवासी थे
उनके व्यवहार पर उन्होंने संदेह करना नहीं छोड़ा। वह सबको संदेह की नज़र से देखते थे और खुद को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी महत्वपूर्ण उपाय हो सकते थे वह कर रहे थे। इसी क्रम में देखें तो 1718 में रोम के पोप के साथ एक कड़वे मतभेद के बाद जो यूरोप के प्रति सिंह सरकार के रवैये में नाटकीय बदलाव हमें देखने को मिलता है। उन्होंने कैंटन के बंदरगाह से जो यूरोपीय व्यापारी थे उनको निकाल दिया, जहां वे एक बहुत बड़ी तादाद या बड़ी संख्या में उस समय रह रहे थे। उन्हें व्यापार करने की तो अनुमति दी गई, लेकिन उसके बाद उन्हें मकाओ द्वीप में रहने की छूट दी गई। जो कैंटन बंदरगाह है वहां से उन्हें निकाल दिया गया व्यापारियों को, विदेशी व्यापारियों को, और उन्हें मकाओ द्वीप पर रहने की छूट दी गई। कोमोडोर एनसन और जेम्स फ्लिंट जैसे कुछ अंग्रेजी व्यापारियों और साहसिक यात्रियों ने बल प्रयोग के माध्यम से इन प्रतिबंधों को चुनौती देने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वे कुछ खास सफल नहीं हो पाए। विदेशियों की ओर से इस तरह की शरारत के खिलाफ जो चिंग सरकार है ने अपनी कठोर प्रतिक्रिया दिखाया और 1717 में एक कैंटन बंदरगाह छोड़कर बाकी जितने भी बंदरगाह थे वे सभी विदेशियों के लिए व्यापार करने के लिए बंद कर दिया गया। इस तरह कैंटन व्यवस्था की स्थापना हुई। तो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कैंटन व्यवस्था थी उसे समझा है। इसके बाद देखें महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में, दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में हम पश्चिमी ताकतों की उपस्थिति पर चीन की प्रतिक्रिया को देख सकते हैं, जिसमें ढुलमुल सरकारी नीति, अफीम युद्ध के बाद जो जिंग के अधिकारी थे उनके बीच में गर्मपंथी या बोल सकते हैं कट्टरपंथी और जो समझौतावादी लोग थे उनके बीच खाई हमें बढ़ती हुई दिखती है। कमिश्नर लिन जो सबसे पहले कट्टरपंथी थे, जो जिंग साम्राज्य के कायदे कानून के मुताबिक सख्ती से व्यवहार कर रहे थे, अफीम युद्ध के दौरान उनकी असफलता ने दूसरे गुट समझौतावादियों को ऊपर उठने का अवसर दिया। इस समझौतावादियों से अगर तात्पर्य निकाले तो हम यह नहीं कह सकते कि वे आवश्यक तौर पर पश्चिमी लोगों और उनके ध्येयों उनके उद्देश्यों से सहानुभूति रखते थे, लेकिन पश्चिम की सैन्य श्रेष्ठता को मानते हुए उन्होंने यह असाहस था कि जिंग सरकार उन्हें सीधे सीधे यानी कि पश्चिमी जो देश है उन्हें सीधे सीधे ललकारने का खतरा मोल नहीं ले सकती। उनकी नीति का आधार यह तर्क कि पश्चिमी लोग जो कुछ मांगते हैं अगर उनमें से उन्हें कुछ दे दिया जाए तो उनकी शालीनता से उन्हें दे दी जाए तो आगे वे कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। इस विचार से वे पश्चिम देशों के बातों को मान रहे थे। वहीं लोकप्रिय चीनी प्रतिरोध की बात करें तो 1841 में जब अंग्रेजी सेना ने कैंटन की घेराबंदी कर ली और वहां के स्थानीय गांवों में घूमने लगे, तब जाकर स्थानीय जो कुलीन वर्ग के लोग थे और जो अंग्रेज व्यापारी या अंग्रेज सेना थी उनके बीच शत्रुता का भाव उभरने लगा। यही नहीं, वहां के जो स्थानीय निवासी थे वे भी अंग्रेजी सेनाओं के विरुद्ध उनके मन में शत्रुता की भाव उत्पन्न होने लगे। इसने अनियमित लड़ाकू इकाइयों का रूप ले लिया जिन्होंने विदेशी सैनिकों की लूटपाट से अपने क्षेत्रों की रक्षा करने का काम स्वयं संभाल लिया। वहीं हम देखें तो जो स्थानीय लड़ाकुओं के कारनामे 1848 में फिर सामने आए जब देहाती और शहरी लड़ाकों की मिलीजुली कार्रवाई ने अंग्रेजी सैनिक को कैंटन शहर में घुसने से रोक दिया। इस बार मिलिशिया लड़ाकुओं की कार्रवाई का समर्थन कैंटन के कट्टरपंथी राज्यपाल ये मिंग चेन के नेतृत्व में स्थानीय अधिकारियों और उन भूतपूर्व कोहांग सौदागरों ने किया जिनकी विशेषाधिकार वाली स्थिति 1842 में नानकिंग संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद छिन गई थी। तो इस प्रकार हमने पश्चिमी ताकतों की उपस्थिति पर चीन की प्रतिक्रिया को देखा।